नेम इज सत्या गुप्ता और हम लोग सोसाइटी में आई अलग अलग जगह, जैसे कटरा हुआ, रियासी हुआ, अखनूर हुआ। एक सोसाइटी में 11 लेडीज होती हैं, उसको मैं एज ए डिज़ाइनर उनको सिखाती हूँ, नई नई चीज़ें सिखाती हूँ, क्योंकि लोगों को पता नहीं कलर कम्बिनेशन कैसा था। लड़कियों, गांव की लड़कियाँ होती हैं, उनको मालूम नहीं होता। ऐसी एग्जीबिशन से क्या फ़ायदा मिलता है जो आर्टिज़म है? इससे ये है कि सभी लोगों को भी इसके बारे में पता चलेगा कि आर्ट क्या होता है, क्योंकि ये पुराने ज़माने की आर्ट है जो इस समय निकल रहा है। स्कूल कॉलेज में भी ये प्रमोट किए जाए, जिसके कारण बच्चों को भी इसके और फर्दर आगे डेवलपमेंट हो इसमें, और गवर्नमेंट भी उनका साथ दे। एक आर्टिसन के तौर पे यहाँ पे एडमिट कर रहे हैं, हमारा कुछ कुशंस वगैरह जो हम घर में बनाते हैं इसी को दिखाने, और सबसे बड़ी बात मैं इस इलाके से वाबस्ता हूँ जो कि बहुत ही फार फ्लंग है, हमें अपने इलाके को और अपने डिस्ट्रिक्ट को प्रमोट करने का मौका मिल रहा है जी। और हमारे लिए जो सरकार डे टू डे या मंथ टू मंथ जो भी नई नई स्कीम्स ला रही है, जैसे अभी 1000 रुपये रिसेंटली इन्होंने बढ़ाया है आर्टिजन्स के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है हमारे लिए। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहते हैं, दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमें और भी मौका दिया जाए, सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, हमें बाहर भी जाने का मौका दिया जाए। हम अपने इस आर्ट के साथ साथ अपने डिस्ट्रिक्ट को भी प्रमोट करें, अपने उस इलाके को भी प्रमोट करें।